हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है, ये हमारे पास 14.1 क्वेश्चन है जो कि IIT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट ए बराबर x²-25 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर दैट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन आर एट विच फंक्शन अटेंड्स आर लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट या मैक्सिमम और मिनिमम। लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट यानी कोई लोकल एक्सट्रीमम क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो कि मैक्सिमम में होता है ना ही मिनिमम होता है, बट वो किसी एक नेबरहुड उसके नेबरहुड में मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट होता है उसका, तो ऐसे पॉइंट्स को मैक्सिमम और मिनिमम कहते हैं। कुल मिला के अगर हम इस कर्व की बात करें तो ये पॉइंट इसमें मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, बड़ा पा लेता हूँ, तो ये पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी आ रही है, लेकिन इसके इस नेबरहुड में यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इसी तरह से लोकल मिनिमम पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये है हमारे पास, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सिंपली ग्राफ पर पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ बना लिया हमने, ग्राफ बहुत गंदा बनता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे एक्स बराबर अगर देखें तो ये 5 पे x बराबर -5 और x बराबर +5 पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी 5 एंड 5। अब अगर देखें तो x बराबर -5 पे या -5 पे इसकी वैल्यू x बराबर -5 यानी कि 25 हो जाएगा, ये -25 जीरो है, और जब जीरो पे जाएंगे तो ये वैल्यू 25 हो जाएगी बढ़ते हुए, जैसे जैसे इसकी -5 की वैल्यू कम होगी इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे 5 से 0 से ऊपर जाएगा फिर इसकी वैल्यू घटती हुई जाएगी और 5 पे फिर 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू 0 से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 5 से आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी f की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरह से ये ग्राफ आ रहा है फ्रेंड्स, यानी कि इसका ग्राफ जो है इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये हमारे पास ग्राफ बना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स देखें तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी ये 3 पॉइंट ऐसे मिले जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कई पॉइंट नहीं मिले क्योंकि ये जाएगा इंफिनिटी की तरफ बढ़ता ही जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ता हो जाएगा, तो कहीं भी हमारे पास और पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो टोटल आंसर जो है 3 पॉइंट हमारे पास आ गया, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। बस ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।